हाय गाइस, हर्षित यादव की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देख रहे हो, इको एलेक्साई सीएनजी मॉडल। बाकी सबसे पहले इसकी प्राइसिंग बता देता हूं मैं, 6.51 लैक्स आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो इको लोग बाग लेते क्यों हैं, या तो कमर्शियल यूज़ में लेनी होती है, अगर कमर्शियल यूज़ में नहीं लेनी, पैसेंजर यूज़ में लेनी है, तो आपको पीछे बहुत सारी बूट स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे आप सीट डलवा सकते हो। 5 सीटर लेने के बाद पीछे अपनी सीट डलवा लो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप सिर्फ इको सीएनजी के लिए देख रहे हो ना कि भाई मेरे को माइलेज बढ़िया चाहिए, तो आप इको मत देखो ना, आपको इसमें मिडल रो में इतनी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती, ठीक है। मैं आपको बेस्ट गाड़ी बताता हूँ, वैगनार, उसमें आपको मिडल रो में स्पेस भी बढ़िया मिल जाती है, वो 5 सीटर मिलती है, उसमें आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, ठीक है। बेशक उसमें आपको 1000 सीसी का मिलता है एंड इसमें आपको 1200 सीसी का मिलता है, लेकिन उसमें आपको माइलेज अच्छी मिल जाएगी 32 की, कंपनी इसमें क्लेम करती है 26 की। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, हाई बीम लो बीम आपको सेपरेट मिल जाती है हेलोजन में, इंडिकेटर आपको मिल जाता है, फोग लैंप्स की स्पेस दे रखी है, ग्रिल आपको ओपन मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, बम्पर आपको पूरा ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है, लेंथ इसमें मिल जाती है 3675 mm की, विड्थ 1475 एंड जो व्हील बेस है वो 2350, फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है, स्पेयर व्हील मिलता है व्हील कैप्स के साथ विदाउट व्हील कवर, जिसका साइज 155/65 R13, ORVM मैनुअल मिलता है एंड डोर ओपनर भी आपको मैट फिनिश में मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी सीएनजी फिल करवा सकते हो। बाकी एक इसका सेफ्टी फीचर भी ये बढ़िया है, अगर मान लो ये खुला छूट भी गया ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल इंजन कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से इसका डोर स्लाइड होके ओपन हो सकता है। एंड पीछे के लुक देखो इसकी, ऊपर हाई स्टॉप लैंप, सीएनजी का स्टिकर लेफ्ट साइड में, एंड नीचे आपको यहाँ पे एक फिनिश दे रखी है, ऊपर सुजुकी के लोगो, इको स्टिकरिंग कर रखी है, यहाँ पे स्टॉप लाइट ऑलवेज ऑन, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट। बाकी नीचे एक साइड आपको एग्जॉस्ट ऐसे सिमिलर देखने को मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर एंड बम्पर ब्लैक मैट फिनिश में आराम से देखने को मिल जाता है। अब इसके फिलहाल अंदर की साइड चलते हैं, अपना डोर यहाँ से पकड़ ले, बंद कर लो, स्लाइड कर लो, बाकी सिंपली अपना डोर ऐसे चाबी से ही खोल सकते हो मैन्युअली, ऐसे कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बाकी लगवाओ तो वो अलग बात है। आपको इसमें मैक्सिमम पार्ट्स ना ब्लैक मैट फिनिश में मिलेंगे, यहाँ पे ओल्ड स्कूल वाला नॉब अनलॉक करने का, डोर ओपनर एंड यहाँ से आप अपना शीशो उतार या चढ़ा सकते हो मैन्युअली। इसके नीचे आपको इंजन मिलता है। अब फिलहाल बैठते हैं आराम से इसके अंदर। जो इसका स्टेयरिंग है ना, पहले आपको एकदम सिंपल सोवर आता था, इसमें आपको सुजुकी के लोगो है ना क्रोम में भी नहीं आता था, एकदम सिंपल था, अब तो आपको वैगनार का स्टेयरिंग मिल जाता है इसमें। बाकी आगे फ्रंट की कंफर्ट तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल सीएनजी स्विच एसी का यहाँ पे मिल जाता है, स्पीकर के आपको यहाँ पे स्पेस दे रही है, बाकी स्पीकर तो खैर इसमें आता नहीं है। बीच में आप स्टेयरिंग देखो, यहाँ पे डिट्टो वैगनार का मिलता है एंड अल्टो का आपको यहाँ पे MID मिल जाती है, यहाँ पे अपने ट्रिप्स रीसेट कर सकते हो, राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल एंड नीचे आपको ये 3 कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से अपना बोनट ओपन कर सकते हो। बाकी चाबी आपकी एकदम सिंपल सी आती है, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती इसमें, यहाँ पे आपके 2 AC वेंट्स, हज़ार लाइट एंड मैनुअल AC, यहाँ से आप अपना डलवा सकते हो स्पीकर, अगर कंपनी से डलवानी कंपनी से, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे रही है, नीचे की साइड भी थोड़ी स्पेस दे रही है, यहाँ पे बोटर रख सकते हो या कोइन वॉइन रख सकते हो। बाकी 5 मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, रबड़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, हैंड ब्रेक कुछ ऐसा है एंड सीट रिक्लाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो अपनी, ठीक है। हैंड ब्रेक के नीचे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, ग्लव बॉक्स भी यहाँ पे जो है वो ऐसा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मिल जाता है, एंड देखो मैं हल्का सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कैसे झूल रहा है वो। ऊपर सन वाइजर में आपको टिकट होल्डर तक नहीं मिलती, मिरर तो दूर की बात है। बाकी मैनुअल आपको ये मिलता है, यहाँ पे डे नाइट वाला नहीं आता, लाइट मिल जाती है एंड पैसेंजर साइड भी आपको कुछ नहीं मिलता, ग्रैब हैंडल अपने वही है, नट से कस दिए बस विजिबल होते हैं आराम से, एड्रेस स्टक्ड मिलते हैं। अब फिलहाल पीछे की बारी है, पीछे चलते हैं, पीछे कैसे कंफर्ट मिलता है, पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा पीछे। तो देखो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं मिडिल रो का, लेकिन अभी बैठ के बताता हूं देखना। बाकी सिटिंग पोजीशन भी है ना वो गाड़ी में आपको जो है अच्छी सी मिल जाती है, ऐसा लगेगा ऊपर की साइड बैठे हो, ड्राइवर साइड भी ठीक है, यहाँ से अपना डोर पकड़ के बंद कर लो, ठीक है, यहाँ से अपना शीशा वही ऊपर नीचे कर सकते हो, लॉक अनलॉक एंड यहाँ से अपना पीछे एक साइड खींच के डोर ओपन कर लो, ठीक है। अब स्पेस देखो आप खुद, थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती, एकदम नाम की थाई सपोर्ट नहीं है, एकदम बेकार स्पेस है मिडिल रो में, ऐसे कुछ फ़ायदा है नहीं, एक ही बात है बैठो ना बैठो अनकंफर्टेबल वाली चीज़ हो जाती है। बाकी ड्राइवर सीट के नीचे देखो आपको इंजन मिल जाता है एंड एकदम अनकंफर्टेबल रहता है, आपके जो पैर है ना वो एक ही पोजीशन में रहता है, आप लॉन्ग जर्नी इसमें कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बाकी आप देख लो बीच कलर का कुछ इंटीरियर मिल जाता है, पीछे भी आपको एक पीली लाइट मिल जाती है, ठीक है, पीछे के भी आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग बढ़िया कर रही है वैसे, इसमें स्ट्रक्ड रहते हैं वो भी,
अब पीछे की साइड चलते हैं, आपकी जो बूट है ना वो सिर्फ चाबी से ही खुल पाएगी, वैसे नहीं खुल पा रही, एंड चाबी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ बहुत। एंड यहाँ पे देखो एक बार तो मैं बैठा था जब मैं गिरने वाला था, सीट से अभी इतनी ढंग से वो टाइट भी नहीं करी गई है। अभी देखो मैं यहाँ पे आया खोलने, अब मेरे पास चाबी नहीं थी, वैसे गाड़ी पूरी अनलॉक है लेकिन बूट आपकी सिर्फ चाबी से ही अनलॉक होगी, ठीक है। अब पीछे की साइड यहीं से जाना पड़ेगा, आपको यहीं से दिखाता हूँ मैं। बाकी वैगनार से इसका एक बढ़िया फ़ायदा तो है, इसमें बूट स्पेस बहुत बढ़िया मिल जाती है 510 लीटर का, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं वहाँ से आपको बूट ओपन करके नहीं दिखा पाया। बाकी टैंक आपको CNG का मिल जाता है 65 लीटर का। बाकी इसी के साथ गाड़ी कंप्लीट होती है, एंड जो आपकी माइलेज बताती है कम थी वो है 26.78 किलोमीटर पर KG। बाकी इसी के साथ पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक फाइनल चीज़ रहती है, वो है इसका बोनेट खोल के दिखाना। बाकी सब गाड़ी में आपको ज़्यादातर इंजन वहीं पे मिलता है बोनेट में, लेकिन इको का अलग ही सिस्टम है, ड्राइवर सीट के नीचे दे रखा है। बाकी अगर यहाँ पे होता ना तो सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती, लेकिन अब यहाँ पे इंजन वैसे थोड़ा बचा लेता है सेफ्टी को। अभी फिलहाल खोल दिया मैंने बोनेट, एंड इंसुलेशन के लिए आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको कूलेंट मिल जाता लेफ्ट साइड में। अगर इंजन होता ना यहाँ पे तो थोड़ी सेफ्टी और बढ़ जाती। बाकी इसी के साथ अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना। बाकी हाँ, अगर आप सिर्फ CNG के लिए इस गाड़ी को ले रहे हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वैगनार ले लो, उससे बढ़िया आपको इंजन यहाँ पे मिलता है इसके नीचे, सीट के नीचे। एंड अगर इंजन हीट भी हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी चला ली, वैसा होता है कि इंजन हीट होता है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको नीचे से ना गरम गरम तो लगता ही होगा जहाँ तक है। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक मिलता है पेट्रोल, एंड जो इसका साइज़ है वो है 32 लीटर, उसमें मैक्स आपका पेट्रोल आ सकता है। इसकी प्राइसिंग आपको गुड़गांव हरियाणा में 6,50,000 मिल जाती है एक्स शोरूम, एंड जो ऑन रोड सब कुछ मिला के जाता है वो है 7,41,000। बाकी आपके शहर में कुछ और प्राइस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली हरियाणा में यही प्राइस है जो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।